करते समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, क्रोम पे जाके आप वीडियो को अपलोड कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, नहीं कर पा रहे होंगे। तो अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में यही सीखेंगे। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे कैसे अपनी वीडियो को अपलोड करना है और अपनी वीडियो पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर ज़्यादा कैसे गेन कर सकते हैं और कैसे आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। जब भी आप वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं क्रोम पे तो इस टाइप का एरर आ रहा होगा, इसमें आप अपनी फाइल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना होगा। मैं मोहन टेक्निकल मोला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक तो कर ही दें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, सभी यूट्यूबरों के साथ शेयर कर दें जो जिसको भी वीडियो अपलोड करते समय दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देख के वो सीख पाए कैसे अपनी वीडियो को अपलोड करें और कैसे अपनी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाएँ। तो आइए चलते हैं, सीख लेते हैं कैसे कैसे करना होगा, कैसे कैसे हम स्टेप ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है क्रोम पे जिससे आपको वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है और कैसे आप अपनी वीडियो को बिगर प्रॉब्लम के अपलोड कर सकते हैं। तो इसके रिकॉर्डिंग पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड? प्रॉब्लम ये है क्रोम पे हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा चैनल है, ये हमारा रोस्टिंग चैनल है। जो आप नॉर्मली रोस्ट देखना चाहते हैं, कोई न्यूज के रिकॉर्डिंग कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा ये MTechL यूट्यूब चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं ऊपर आपको नजर आ रहा है अपलोडिंग का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आ जाएगा वीडियो अपलोड पर क्लिक करना है आपको। वीडियो अपलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ्रेंड इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वीडियो नहीं आती है। हम इस पर क्लिक भी करते रहते हैं तो हमारी वीडियो जो है फ्रेंड हमारी फाइल ओपन नहीं होती है, यहाँ से हम अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कैसे अपलोडिंग करनी होगी और कैसे अपनी वीडियो के अंदर टैग और अपना डिस्क्रिप्शन और कैसे अपना टाइटल हमें डाल पाएंगे, तो बिल्कुल आसान तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आपको कर देना है बैक। इसमें क्या है, गूगल की तरफ से कुछ बग आ रखा है, या गूगल समझ लो या यूट्यूब समझ लो, दोनों में से किसी में से एक में बग आ रखा है, उसके कारण आप इसमें अपलोडिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये प्रॉब्लम चलती है तो आपको कैसे अपलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपकी वीडियो पे व्यू भी आएंगे, लाइक भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे। कैसे करना होगा, आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद डायरेक्ट आपको जाना है अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको जाना है ऊपर आपकी वीडियो के ऑप्शन पे, वीडियो जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा वीडियो का, आप वीडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जो भी वीडियो आपने बना रखी है वो वीडियो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैंने अपनी वीडियो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आप देखते हैं इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिलता थंबनेल का, और नॉर्मली इसके अंदर टैग का ऑप्शन हमें नहीं मिलता, तो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। इधर अपना जो भी है अपना टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको सिंपल तरीके से अभी बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड इम्पोर्टेंट बात यह है, आप नॉर्मली इसके अंदर जो ये ऑप्शन दे रखा है अनलिस्टिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं, पब्लिक, अनलिस्टिंग और एक का प्राइवेट। आपको ध्यान रखना है इस वीडियो को जो है अनलिस्टिंग पे ही अपलोड करना है, अनलिस्टिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड का ऑप्शन आपको राइट हैंड में ऊपर की साइड में मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से जो है देख लीजिए अपलोड होना शुरू हो चुकी है। कुछ टाइम के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर एडिटिंग, कैसे अपना टाइटल डाल सकते हो, कैसे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कैसे टैग डाल सकते हो और भी ज़्यादा सेटिंग इसके अंदर क्रोम पे जाके आप कैसे कर पाएंगे। तो हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद अब इसके अंदर हम टैग, डिस्क्रिप्शन, अपने टैग कैसे डालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आप डाल पाएंगे। इसमें आपको अपलोड कर देना है, जैसे ही अपलोड कर देंगे इससे आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको जाना है अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप क्रोम पे ओपन करेंगे आपको पेज को क्या है एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे फ्रेंड आपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद क्या है एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे फ्रेंड आपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी। देख सकते हैं हमने टाइटल में क्या अभी कुछ नहीं डाला था, नॉर्मली आपको अपलोड करके बताया था। तो देख सकते हैं हमने ये वीडियो जो है अनलिस्टिंग में अपलोड करी है, तो देख लेते हैं हमारी वीडियो जो है अनलिस्टिंग में अपलोड है या कैसे है। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारी वीडियो जो है अनलिस्टिंग में ही अपलोड करी है, और ध्यान रखना है आपको वीडियो जो अपलोड करनी है वो अनलिस्टिंग में ही करनी है।
अब आपको क्या करना है, वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए पेंसिल का ऑप्शन नजर आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे आपका प्रॉपर तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना अपना पूरा का पूरा टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, यहाँ से अपना थंबनेल लगा सकते हो, उसके बाद अपना यहाँ पे टैग भी डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड सारे सेटिंग करने के बाद आपको देख लीजिए राइट हैंड में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पब्लिश करनी है, अनलिस्टिंग करनी है, यहाँ पे से क्लिक करना है। आपको प्राइवेट रखनी है, कैसे रखनी है, यहाँ पे से आपको प्राइवेट या पब्लिश पे क्लिक कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद किस प्लेलिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, यहाँ से अपनी प्लेलिस्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो लगानी है तो एंड स्क्रीन पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ से आई बटन पे आप अपनी वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह की वीडियो लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद फ्रेंड अब मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वीडियो आप अपलोड तो करते हैं मगर कुछ लोगों के पास जो है आपके सब्सक्राइबरों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो आपको क्या करना होगा। देखते हैं आपको बेसिक सेटिंग नजर आ रहा है, बेसिक सेटिंग के बराबर है मोर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। अब इसमें बात करेंगे क्या करना होगा हमें, जो सब लोगों के पास जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाए, तो ध्यान रखना है आपको ये जो ऑप्शन है इसे ओनली अनटिक नहीं होना चाहिए, टिक मार्क होना चाहिए। जैसे कि मेरे ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन टिक नज़र आ रहे हैं, आपको भी यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, अनटिक नहीं होना चाहिए। अनटिक होगा तो आपकी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, इसको ध्यान रखना है आपको टिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको आके अपना सेव का बटन नज़र आ रहा है, देख लीजिए सेव पे क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड ये बेस्ट तरीका था आपको वीडियो अपलोड करने का, तो आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है। जब तक क्रोम नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क करता तो आप इस तरह से अपनी वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, व्यू भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया गया उसे भी क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जब भी हम कोई टैग या इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग वीडियो डालें तो उसके आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और सभी को आप उस वीडियो को शेयर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, स्क्रीन पे आपको तीन वीडियो नजर आ रही है, इन वीडियो को भी वॉच करें, ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और चैनल को गोल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें।